गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू लाइफ व्लॉग। सुबह सुबह एज यू नो आई कीप रिपीटिंग अगेन, मैं अपना मॉर्निंग वॉक शुरू करता हूँ एंड आई डोंट डू एनी स्ट्रेचिंग बिकॉज सुबह उठते मूड नहीं होता है। आफ्टर 1 or 2 kilometers आई स्टार्ट डूइंग द स्ट्रेचिंग और देन आई कंटिन्यू माई वॉक। उससे क्या होता है, फिर बॉडी फ्री हो जाती है और बॉडी में थोड़ी गर्मी चढ़ जाती है और स्ट्रेचिंग करने के बाद आप ऑलरेडी देख रहे हो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बिल्कुल नींद से उठाऊँ। तो दैट्स वन लिटिल सीक्रेट आई डू। बस काफ़ी लोगों को लगता है यार सर सुबह सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करने का मूड ही नहीं होता है और सब बोलते हैं पहले स्ट्रेचिंग करो। तो दैट्स अ स्मॉल जुगाड़ और समथिंग विच आई हैव फिगर्ड आउट। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना वॉक और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग चिराग इज प्रैक्टिसिंग इज टेनिस। एक कार क्लीनर का मैसेज आया है, टायर पंचर सर। अरे रे 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 रे, इसीलिए बोलते हैं भाई जो भी काम होते हैं उसको टाइम पे कर दिया करो। अब देखो कार साफ करते करते उसने भी नोटिस कर दिया कि कार का टायर पंचर है और उसने भी मैसेज, एंड दैट रिमाइंड्स मी कि कभी भी ना लाइफ में छोटा सा प्रॉब्लम आता है उसको टाइम पे फिक्स कर दिया करो। जैसे मेरे कार में हवा कम होती रहती थी, मुझे लगता था पंचर है और अभी 4-5 दिन से मैं कहीं गया नहीं तो कार का पूरा टायर ही फ्लैट हो गया है। सो दैट रिमाइंड्स मी दैट नाउ इट्स टाइम टू। मैं आपको एक सच बात भी बताता हूँ, मैं इसको क्यों डिले कर रहा था, आप लोग सोचो क्यों डिले कर रहे थे। तो गए भाई घर से ना वो काफ़ी दूर है उसका सर्विस सेंटर, अभी वहाँ पर भेजने का वैसे भी मेरा प्लान था कि दशहरा और दिवाली के बीच में मैं हमेशा गाड़ी को सर्विसिंग करवाता हूँ, क्योंकि दिवाली में वो फ्रेश नई दिवाली जैसे हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं गुजराती में, तो उस एंगल से लगता है कि भाई वी शुड हैव गॉन विद दैट ऑप्शन। तो मैं सोच रहा था कि अभी दशहरा आ रहा है, दशहरा के बाद मैं सर्विस में भेज दूंगा तो गाड़ी का काम वैसे भी सफाई हो जाएगी। अब प्रॉब्लम इतनी सी लेके अब इतनी बड़ी हो जाती है तब लगता है कि भाई काश कर दिया होता। आई नीड टू फिगर आउट सम सॉल्यूशन। बैक इन ऑफिस रेडी फॉर द नेक्स्ट अमेजॉन लाइव स्ट्रीम। बट मैंने आज सुबह सुबह ना अननोइंगली या क्या बोलो यार, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, एक ट्वीट किया। मेरे मन में ये था कि आजकल जो यंग जनरेशन है अननोइंगली एक दो रात के होटल के ऑफर्स आ रहे हैं या फिर छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स के चक्कर में फालतू क्रेडिट कार्ड्स को खरीद रहे हैं, मतलब सॉरी खरीद नहीं रहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स बुक कर रहे हैं। अब मैंने उसके बारे में ट्वीट कर दिया कि भाई अपने हिसाब से सोचो, अगर आपको ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड की तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। जो आप लोग मुझे फॉलो करते हो आपको बताइए कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसे किसी से मत लो, बैंक से भी मत लो, ब्याज मत भरो, ज़रूरत है तो लो वरना बिल्कुल मत लो, फोकस ओनली ऑन अर्निंग नॉट ऑन स्पेंडिंग। भाई साहब मैंने अच्छी खासी एक ट्वीट की थी, कोई गलत नहीं बोला, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर रख दूंगा, आप लोग बताओ क्या गलत किया। और भाई इतना नेगेटिविटी, लोग उठा उठा के मेरे पुराने ट्वीट्स को उठा उठा के बोल रहे हैं कि आपने भी तो ये क्रेडिट कार्ड किया था, आपने इसका प्रमोशन किया था। मैंने 5 करोड़ का मेरा जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसका क्रेडिट कार्ड का एक वीडियो बनाया था, किसी ने पूछा वीडियो फिर से शेयर करो तो मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर कर दिया। अब लोग बोल रहे हैं आप उस क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर रहे हो। भाई मेरे वो क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करने के बाद भी कौन खरीदने वाला है? ये तो ऐसा हो गया जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई आप रोल्स रॉयस का प्रमोशन कर रहे हो। अरे रोल्स रॉयस का प्रमोशन कर भी लिया तो कोई इन्फ्लुएंस होने के बाद खरीद नहीं लेगा रोल्स रॉयस, 5 करोड़ की कार है। उसी तरह ये अकाउंट 5 करोड़ का है, थोड़ा दिमाग लगा दिया करो यार। ये गधे इतने मतलब पागल हो चुके हैं कि बस वो 500,000 रुपये के उनके रेफरल पैसे मिलते हैं उसके लिए लोग पागल होकर मेरे पीछे पड़ गए हैं कि आपने 5 करोड़ का जो अकाउंट है उसके बारे में मार्केटिंग किया था, आपने लोगों को बोला कि वो वाला क्रेडिट कार्ड ले लो और किसी ने ले लिया। अगर सच में सोचते चलो एक बार के लिए ये भी सोच ले कि एक्सिस बैंक मुझे भी 1,000 रुपये दे रहा है 5 करोड़ का अकाउंट खुलवाने पे, कोई गधाई होगा कोई इतना चिल्लर अमाउंट ले भी लेगा। बट कौन है भाई ऐसे लोग जो 5-5 करोड़ के अकाउंट ट्विटर का एक वीडियो देखकर ले लेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मतलब ये सच में मतलब लोगों का दिमाग कहाँ चला जाता है जब ऐसे सिचुएशन में कोई इंपॉर्टेंट बातों की बातें होती हैं। एनीवे चलिए लेट मी फोकस, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने फालतू। मैं सोचा कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो ट्विटर से एंगेजमेंट चाहिए और ये लोग हेटेड फैला रहे हैं, वाई शुड आई केयर अबाउट इट। चलिए अपना काम करते हैं, हमें तो अर्निंग पे फोकस करना है एंड दिस अमेजॉन लाइव स्ट्रीम विल पे मी मनी नॉट दिस स्टूपिड ट्विटर ट्वीट्स। सो एनीवे लेट मी फोकस ऑन दैट। एट अ डॉक्टर्स क्लिनिक, जिया को बुखार आ गया है, सो वी आर हियर एट अ डॉक्टर्स क्लिनिक वेटिंग फॉर द डॉक्टर। जस्ट बैक फ्रॉम द क्लिनिक। एक्चुअली जिया को 3-4 दिन से काफ़ी सर्दी थी, हमें लगा कि भाई हम कोशिश करते हैं कि दवाइयाँ ना दे बच्चों को एज मच पॉसिबल, ट्राइंग टू बी एज नेचुरल टू बी, बिकॉज उससे क्या होता है बॉडी थोड़ी ऑटोमेटिकली बीमारी को दूर करती है, मतलब इट फाइट्स विद द डिजीज़। बट देन दवाई देने से आप उसे बस सप्रेस कर रहे हो, टेम्प्रेरी उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो। बट फाइनली आज वो स्कूल से जैसे आई शी वॉज लिटरली वेरी हॉट, मतलब 103-104 degrees के आसपास टेम्परेचर था। दैट्स व्हाट आवर थर्मोमीटर सेट, फटाफट उसको क्रोसिन जो भी दवाई होती है वो मेरी वाइफ ने दे दिया एंड वी क्विकली रश टू द हॉस्पिटल, बिकॉज यार मतलब 3-4 दिन से वैसे तो बुखार चल ही रहा था, बुखार नहीं था बट
आज बुखार आ गया तो पहले ही दिमाग ख़राब है यार। मतलब आज मैंने आपको पहले ही बताया कि आज क्या सिचुएशन हुआ ट्विटर के ऊपर, दिमाग ख़राब रख दिया लोगों ने। मतलब ट्रोल्स ज़िंदगी में उन्होंने कुछ किया नहीं होता है, बट दूसरों की उंगली करना वर्स, उनको दूसरे के नेगेटिविटी करना। तो मेरी आदत ही नहीं है मैं किसी के बारे में पर्सनली जाके किसी को अटैक करूं, किसी को कुछ बुरा बोलूं। मैंने सिर्फ एक ज्ञान दिया कि भाई क्रेडिट कार्ड जो लोग ले रहे हैं क्रेडिट के मत जाओ, थोड़ा अच्छा पैसा बचाने की कोशिश करो। क्या गलत बोल दिया मैंने, आपने ट्वीट भी देखा होगा, बट क्या करें यार लोग ना दुनिया में। इट्स ओनली वन पर्सन हु कैन मेक एवरीवन हैप्पी एंड दैट्स द आइसक्रीम गाई, जो आइसक्रीम देता है सबको। उसके अलावा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो सबको खुश रख सके। एवरीवन हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवे चलिए, मेरा मूड ऑफ है, मैं आप लोगों का क्यों मूड ऑफ कर रहा हूँ। सो एनीवे ऑन दैट नोट आई एल एंड टुडेज़ ब्लॉग हियर। हालांकि अभी 6 बजे हैं, आई नीड टू गो बैक होम। थोड़ा बहुत टाइम जिया के साथ स्पेंड करूंगा बिकॉज शी नीड्स टू गेट द सेकंड डोज ऑफ द मेडिसिन बाय 10 o'clock। उससे पहले उसको सोना नहीं है। तो एंड चिराग नीड्स टू पैक अप बिकॉज चिराग इज विथ मी राइट नाउ इन द ऑफिस, बट ही नीड्स टू पैक अप हिज स्टफ एंड ही इज गोइंग ऑन अ हॉलीडे। सो एनीवे ऑन दैट नोट गाइज आई एंड दिस लाइफ लॉक हियर। आज का दिन काफ़ी थकान वाला भी था, इंटरेस्टिंग भी था, सब कुछ था, मिक्स चीज़ें, एंड इट्स ऑल गुड। अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आपका दिन मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हो, फिजिकली भी स्ट्रांग होते हो। तो यस, दीज आर बेनिफिट्स। जस्ट होपिंग दैट यू गाइज गेट मोटिवेटेड एंड कीप फोकसिंग ऑन योर फिटनेस। एनीवे गाइज ऑन दैट नोट सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड वन, थैंक यू एंड बाय। बाय।